आज हम पहुंचे हैं संध हल्के के फफड़ाड़ा गांव में। हमारे साथ सरदार बख्शी सिंह विर्क है, उनसे पूछते हैं आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ और दौरा भी चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप लोकसभा चुनाव? देखो, आज का देखना जो मेरे लिए है, ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव एक तरफा है और जो लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का समझौता हुआ है चार दिन से, उससे और ज़्यादा लहर बनी है। क्योंकि जो सात जिले हैं, चाहे फतेहाबाद है, चाहे वो सिरसा है, चाहे अम्बाला है, चाहे कैथल है, चाहे करनाल है, चाहे पानीपत है, चाहे यमुनानगर है, इन जिलों में तो एकदम से ऐसी आंधी आई है। एक पहले हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, एक तो आंधी होती है साधारण आंधी, एक पीली आंधी होती है, अब तो पीली आंधी आ गई है। इस पीली आंधी में किसी के धरती पे पैर नहीं लगेंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र में अभी तक कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं उतरा, तो यदि कौन कैंडिडेट होगा सामने, उस चीज़ को लेकर के कितना असर देखते हैं आप? देखो भाई, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, हमने अपने प्रत्याशी की बात करनी है। और मुझे लग रहा है कि उन लोगों को भय कि हम किसको उतारें, कौन आए। तो इसलिए देखो, हमारे संजय भाटिया जी, आप ये मान के चलो कि 4 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे हम, 4 लाख वोट से ऊपर। इस लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से लोकल की प्रत्याशी की मांग थी, पहले बाहरी प्रत्याशी रहे हैं, अब की बार लोकल प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा है, इसका कितना लाभ पार्टी को मिल सकता है? इसी का तो ज़्यादा लाभ मिल रहा है ना, लोकल होने के नाते से। जैसे पीछे नगर निगम में चुनाव हुआ तो पानीपत सीट जीते हमने, यमुनानगर सीट जीती हमने, करनाल सीट जीती हमने, रोहतक जीती हमने, हिसार जीती हमने, और जब उपचुनाव जींद का आया तो हमने 12,930 वोटों से उसको भी जीता। 52 साल में पहली बार जींद की सीट जो है बीजेपी की झोली में आना एक इतिहास में एक कैम हुआ है। बख्शी जी, एक आज दौरा है, लोगों का किस तरह से जन समर्थन आपको मिल रहा है? ये दौरा नहीं है, रात 9 बजे हमने मैसेज दिया अपने कार्यकर्ता को, और आज देख लो कितनी भारी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ जुड़ गए। अगर हमने 2 दिन पहले मैसेज दिया होता तो यहाँ पैर रखने की जगह ना मिलती आपको। ये थे हमारे साथ विधायक असंध सरदार बख्शी जी विर्क, हमारे साथ जो करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी संजय भाटिया, उनके पुत्र हैं चांद भाटिया जी, उनसे पूछते हैं कि आज जो असंध हल्के के दौरे पे निकले हैं, किस तरह का जनसमर्थन लोगों का मिल रहा है? जी चांद जी, किस तरह का जनसमर्थन मिल रहा है यहाँ पे आके असंध विधानसभा में? इतना भारी जनसमर्थन, इतना जोश कार्यकर्ताओं में, एक साधारण कार्यकर्ताओं को जो मान सम्मान मिला है कि करनाल लोकसभा से मेरे पिताजी श्री संजय भाटिया जी को, जो एक साधारण से कार्यकर्ता थे, अपनी पार्टी के लिए बिल्कुल निष्ठा से काम करते रहते थे, उनका जो मान सम्मान बढ़ाया है, ये मैं भारतीय जनता पार्टी का आभार और अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने इतना मान सम्मान एक साधारण से कार्यकर्ता को दिया। और यहाँ पर इतने भारी भीड़ जो इकट्ठी हुई है, जो इतना जोश और इतना समर्थन हमें मिल रहा है, उसका मैं शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लग रहा है। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आपकी बार? अभी आप पिछली बार देखा कि मार्जिन आपकी बार बढ़ेगा, या उसको लेकर के किस तरह से आप देखते हैं? जीत का तो ऐसा है कि लोगों की जो आवाज़ है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, सबके मुँह में, सबके मन में एक ही नाम है, मोदी मोदी और मोदी। मोदी जी ने इस देश को इतनी तरक्की पे ले गए हैं, इतने काम कराए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम बहुत ही भारी मतों से करनाल लोकसभा सीट तो मोदी जी की झोली में जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। जैसे चांद भाटिया जी ने बताया कि यह करनाल लोकसभा सीट भारी मतों से यहां पर विजय रहने, इस तरह का चांद भाटिया ने दावा किया है। ये तो 12 मई के बाद 23 को जो नतीजे आएंगे उसमें ही देखने होगा कि किस तरह से हरियाणा की सियासत में 10 सीटों पर क्या चुनाव रुझान देखने को जनता को मिलेंगे। मनीष के साथ जितेंद्र अलावा, सिटी तालका। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।